हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता महेश्वरी फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। बच्चों आइए आपकी ईवीएस की क्लास स्टार्ट करते हैं। ईवीएस में आज हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि आपको बताया, आपके सिलेबस मैंने भेज दिया है सेप्टेम्बर एग्जाम का, तो उसमें जितने चैप्टर आएंगे वो हम थोड़े थोड़े करके रिवाइज कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर वन से। चैप्टर नंबर वन है हमारा आवर बॉडी। यहाँ पर हमारी बॉडी पार्ट्स के बारे में बात हुई है। बच्चों आपको सभी को अपने अपने बॉडी पार्ट्स नेम लर्न हो गए होंगे, अच्छे से पता होगा ना कि इस बॉडी पार्ट को हम क्या कहते हैं, ठीक है। लुक एट द अबव पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको अगर ये पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम अच्छे से लर्न है और सबके पता है कि कौन से बॉडी पार्ट हमारी बॉडी में कितने होते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से वही हमें फिल करना है। जैसे आई हैव डैश हेड, आई हैव वन हेड, आई हैव डैश नोज, आई हैव वन नोज, इस तरीके से आपको ये फिल करना है और आपको पता भी होना चाहिए। हो सकता है इसमें से कोई आपसे क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है। किसी से भी रिलेटेड आपसे फिंगर्स पूछें, फीट पूछें, हैंड पूछें, ठीक है। तो ये सभी आपको स्पेलिंग भी लर्न होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर वी आर सिमिलर। हम सभी सेम है, वी हैव सेम बॉडी पार्ट, सभी के पास सेम बॉडी पार्ट होते हैं। लुक एट योर सेल्फ इन अ मिरर, यू हैव सेम बॉडी पार्ट्स लाइक अदर। अगर आप मिरर में देखते हैं तो आप दूसरों की तरह ही अपने बॉडी पार्ट्स को पाएंगे। सेम होते हैं सभी में, ह्यूमन में सभी में बॉडी पार्ट सेम होते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। आपको सभी को बॉडी पार्ट नेम लर्न कर लिए इसमें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अवर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं बच्चों? हमारे सेंस ऑर्गन, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सेंस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनके जरिए हम कुछ सेंस कर पाते हैं, कुछ समझ पाते हैं, वो हमारे होते हैं सेंस ऑर्गन्स। वो हमारी बॉडी में कितने होते हैं? फाइव। लेकिन आप सोचोगे कि आईज ईयर्स तो मैम ने अभी बॉडी पार्ट्स में भी पढ़ाए थे, तो आप इस तरीके से इसको मिक्स नहीं कर देना बच्चों। बॉडी पार्ट्स नेम आपसे पूछे तो वो अलग चीज है, लेकिन अगर आपसे सेंस ऑर्गन्स पूछे तो सेंस ऑर्गन्स ओनली फाइव होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आईज, ears, nose, tongue, skin, ठीक है। आई से हम क्या फील कर पाते हैं, क्या सेंस कर पाते हैं? कोई भी चीज हमें आसपास जो भी दिखती है, क्या वो चीज कैसी है, किस कलर की है, तो उसको हम किस तरीके से इमेजिन कर पाते हैं? अपनी आईज के जरिए, ठीक है। तो आईज हमारी सेंस करती है, देखने का सेंस होता है उसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा हियर। हियर मतलब हियर किससे कर पाते हैं हम? ईयर से, है ना। तो कोई भी चीज हम, जैसे किसी की भी साउंड है या कोई हमें बुला रहा है, तो हम किस तरीके से उसे पहचान पाते हैं? क्या हम आंखों से पहचान लेंगे? नहीं, हम ईयर से हम उसकी आवाज को पहचान रहे हैं। मान लो कोई हम बहुत दूर है तो भी हमसे बोल रहा है, या कोई फोन पे बात कर रहा है, तो हम दूसरों की बात को कैसे सुन पाते हैं? ईयर से, ठीक है ना। तो दूसरा सेंस ऑर्गन हमारा क्या हो गया? ईयर्स। नेक्स्ट है नोज। नोज से हम स्मेल कर पाते हैं, किसी भी कोई भी बैड स्मेल हो या गुड स्मेल हो, तो वो हमारी किससे होती, किससे फील करते हैं हम? नोज से। लेकिन जो स्मेल होती है वो हमारी कैसी होती है? इनविजिबल स्मेल, कभी भी हमें दिखाई नहीं देती, चाहे वो अच्छी स्मेल हो चाहे वो गंदी स्मेल हो। स्मेल को हम छू सकते हैं क्या? नहीं, ओनली फील कर सकते हैं। तो स्मेल हमारी ये क्या है? इनविजिबल, ठीक है। ओनली फील कर सकते हैं हम उसे, टच नहीं कर सकते उसे, ठीक है। नेक्स्ट है टंग। टंग से हम टेस्ट करते हैं, किसी भी चीज का टेस्ट हमें किससे सेंस होता है? टंग से, ठीक है। टंग पे कोई भी चीज हमारी टच होती है तो हमें पता चलती है ये चीज किस कैसी है, टेस्टी है, सॉल्टी है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्किन। स्किन से हमें फीलिंग, कोई भी चीज जैसे टच होती है हमसे, कोई भी बहुत ठंडी है, हमें ठंड कैसे लगती है? ठंड लगी तो हमारी स्किन को ठंड लगी ना, ठीक है। गर्म है कोई चीज, हमने टच कर ली तो हमें टच करके पता लग गया अरे ये हॉट है बहुत, ठीक है। तो या कोई भी जैसे आपको कोई मच्छर काट जाए या हमारे कोई भी चोट लग जाए तो हमारी स्किन को फील होता है, ठीक है। तो ये हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स हो गए, ओके। तो स्किन के जरिए हम टच का भी फील कर पाते हैं, आपको कोई दूसरा भी टच कर रहा है तो वो भी हम फील कर पाते हैं। ये हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स हो गए बच्चों, ओके।
थर्ड चैप्टर है हमारा अवर बॉडी हेल्प्स अस। अभी तक हमने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा, अब हम ये पढ़ेंगे कि बॉडी हमारी किस तरीके से हेल्प करती है। हमारे सभी बॉडी पार्ट्स हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। अलग अलग काम करने में हम अलग अलग बॉडी पार्ट का यूज करते हैं। बॉडी हर बॉडी हमारा जो बॉडी पार्ट है हर पार्ट हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी पार्ट की ऐसा नहीं है कि ये पार्ट हमारा वैल्यूएबल नहीं होता, सारे पार्ट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होती हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसे कि आप पेन होल्ड करते हैं तो किस बॉडी पार्ट के जरिए करेंगे? लेग से, नोज से, हैंड से, किसे करेंगे पेन होल्ड? यस, हैंड से। आई एम वॉचिंग टीवी, किसका यूज हो रहा है हमारा? आईज का। आई एम ड्रिंकिंग वॉटर, माउथ। आई एम किकिंग फुटबॉल, लेग्स। आई एम राइटिंग, हैंड्स। तो इस तरीके से ही हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं डेली यूज में। हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं और इसमें हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं। कुछ एक्टिविटी हमारी ऐसी होती है जिसमें केवल एक ही बॉडी पार्ट यूज होता है और कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें वन मोर देन, एक से ज्यादा हमारे बॉडी पार्ट्स भी यूज होते हैं। जैसे हमने साइकिलिंग कर ली, रनिंग, स्विमिंग, इस तरीके से हमारी जो भी एक्टिविटी है तो उसमें हमारे एक से ज्यादा बॉडी पार्ट यूज हो रहे हैं ना। स्विमिंग कर रहे हैं हम, हमारे हैंड भी यूज हो रहे हैं, हमारे लेग्स भी यूज हो रहे हैं, ओके। जैसे हम रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग में हमारे फुल बॉडी अच्छे से मूव कर दिया और मतलब किसको रेस्ट मिलता है? अच्छे से बॉडी को। बॉडी हमारी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है, ठीक है। तो रनिंग से हमारे बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे हमारा फैट कम हुआ, हमारी बॉडी स्ट्रेचेबल हो जाती है अच्छे से, ठीक। तो इस तरीके से हमारी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हम कोई भी एक्सरसाइज ना करें, ओनली रनिंग करें। रेस्ट मीन्स वही होता है कि हमारी बॉडी अच्छे से दिन भर जो थकावट होती है वो सब एकदम दूर हो जाती है, ठीक है। हमारी फ्रेशनेस हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, ओके। तो ये हमारे बॉडी पार्ट्स का चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद चैप्टर है हमारा आई लव माई फैमिली। यहाँ पर हम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। वी लिव इन अ फैमिली, हम सभी फैमिली में रहते हैं। मदर, फादर एंड चिल्ड्रन टुगेदर मेक अ फैमिली। मदर, फादर और उनके चिल्ड्रन मिलकर एक क्या बनाते हैं? फैमिली बनाते हैं। फैमिली दो तरीके से होती है, स्मॉल भी होती है और लार्ज भी होती है। जहां ओनली पेरेंट्स या वन और टू चिल्ड्रन होते हैं उस फैमिली को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्मॉल फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट, अ फैमिली विच हैज मोर देन फोर मेंबर्स इज अ लार्ज फैमिली। जहां पर फोर मेंबर्स से ज्यादा होते हैं फैमिली में वो हमारी होती है लार्ज फैमिली में, वो हमारी स्मॉल फैमिली में नहीं आती, ठीक है। कितने मेंबर से? फोर मेंबर से ज्यादा होते हैं जिस फैमिली में, वो फैमिली क्या कहलाती है? लार्ज फैमिली। अ फैमिली विद पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट एंड कजिन्स लिविंग इन अ वन हाउस इज अ जॉइंट फैमिली। जहां पर ये सभी लोग एक साथ रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली कहते हैं, जहां पर अंकल, आंट, कजिन्स सभी लोग एक साथ रहते हैं, ओके। एवरी मेंबर ऑफ अ फैमिली हैज रिलेशन विद अदर फैमिली मेंबर्स। यहाँ पर सभी फैमिली मेंबर से एक अलग रिलेशन होता है, ठीक है। बहुत सारे देखो, जैसे यहाँ पर ग्रैंड फादर का, ग्रैंड मदर का, मदर, फादर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, कजिन, सिबलिंग, तो सभी का अलग अलग रिलेशन होता है। तो मैंने आज आपको फोर्थ चैप्टर का रिविजन करा दिया है बच्चों।